हेलो दोस्तों, स्वागत है द रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मृत्युंजय मिश्रा स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है। और अभी तक हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। बाकी के लेक्चर्स में हमने देखा था कि बाकी सारी चीज़ें, ह्यूमन हेल्थ क्या है, हेल्दी किसे कहते हैं, डिजीज़ किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या डिजीज़ेज़ होती हैं, क्या क्या डिजीज़ेस के कॉज होते हैं, क्या पैथोजेंस होते हैं, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। तो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जिसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर रहे थे और हमने अभी टाइफाइड की बात कर ली थी। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं न्यूमोनिया की। देखिए, न्यूमोनिया एक डिजीज़ है जो एक तरह के बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और एक और बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये जो दोनों हैं, ये पैथोजन हैं, इस तरह के पैथोजन्स जो कॉज करते हैं ये न्यूमोनिया डिजीज। अब आप बात ध्यान रखेंगे कि न्यूमोनिया डिजीज़ होता क्या है और कहाँ होता है। देखिए, न्यूमोनिया डिजीज़ जो है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इन्फेक्ट आवर लंग्स एल्वियोलाई, आप सभी एल्वियोलाई जानते होंगे, हमारे लंग्स के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जिसमें एयर का एक्सचेंज होता है, आप ये सब जानते होंगे। अब क्या होता है कि एल्वियोलाई जो है, हमारी एल्वियोलाई जो होती है वो क्या करती है कि एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी जो एल्वियोलाई है वो फ्लूइड से भर जाती है। और जब एल्वियोलाई के अंदर एयर जाना चाहिए और एयर की जगह फ्लूइड जाने लगता है तो क्या होता है, न्यूमोनिया कॉज हो जाता है। उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि निमोनिया क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट मेन फॉर्म है। अगर किसी को निमोनिया है और वो छींक रहा है और उसने अगर आपके ऊपर छींक दिया तो आपको भी निमोनिया हो जाएगा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर हमने उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया या फिर कोई ऐसा यूटेंशियल यूज़ कर लिया जो उस पर्सन ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, तो क्या हो जाएगा, हमें निमोनिया हो जाएगा। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर इस कुछ है तो आपको मैं बता दूं गाइस, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिजीज़ का नाम, पैथोजन का नाम, इसमें होता क्या है और ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि ड्रॉपलेट्स यानी उसका जो फ्लूइड है, जब हम छींकते हैं तो हज़ारों ड्रॉपलेट्स हमारे चेहरे से, हमारे मुंह से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह से वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं अगर किसी ने इनहेल कर लिया तो उसको क्या हो जाएगा, उसको भी कॉज हो जाएगा, बिकॉज दैट ड्रॉपलेट कंटेन द बैक्टीरिया, द पैथोजन विच कॉज निमोनिया। तो वो निमोनिया वाले बैक्टीरिया उसके अंदर हैं, और जब निमोनिया वाले बैक्टीरिया उस आदमी के अंदर जाएंगे जिस आदमी के अंदर नहीं है वो डिजीज, तो फिर क्या होगा, उनको भी वो डिजीज कॉज हो जाएगी। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये था कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम उस आदमी से दूर रह सकते हैं जब वो छींक रहा हो, खांस रहा हो, या फिर उसे मास्क पहना सकते हैं। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अभी हमने आपको बताया, फीवर आता है, ठंड लगने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक होता है, खांसी आती है, और जब सीवियर केस होता है, इन सीवियर केसेस आप लिख सकते हैं, इन सीवियर केसेस द नील्स एंड स्किन
बिकम बिकम ग्रेस ब्लू। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो फिंगर्स हैं, जो लिप्स हैं, जो स्किन है वो ग्रेइश ब्लू कलर की होने लगती है, जो नेल्स है वो ग्रेइश ब्लू कलर का होने लगता है, यानी ग्रे केस से ब्लू कलर में कोई भी कलर आ सकता है। तो सीवियर केसेस में ये होता है। बाकी सिम्टम्स हमने आपको बता दिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में फीवर आ सकता है, फीवर के साथ साथ आपको चिल्स आ सकते हैं यानी ठंड लग सकती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। निमोनिया में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जितनी भी चीज़ें पूछने वाली थी उतनी चीज़ें हमने बता दी। देखिए, इसको डिटेक्ट करने का कोई टेस्ट एज ए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, जैसे हमने टाइफाइड के लिए टेस्ट आपको बताया था। इसमें हम एक्सरे लेते हैं और एक्सरे से बता सकते हैं कि निमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निमोनिया जो डिज़ीज़ है वो कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो आप नाम याद रखिए पैथोजन का, आप नाम याद रखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। प्लीज़ आप ये वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है। नेक्स्ट हमारी डिजीज है कॉमन कोल्ड, सर्दी जो हमें सर्दी होती है उसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। अब देखिए, कॉमन कोल्ड का भी कोई पैथोजन होता है? बिल्कुल होता है। कॉमन कोल्ड का पैथोजन होता है राइनो, कॉमन कोल्ड का पैथोजन होता है राइनो वायरस। तो यहाँ बैक्टीरियल क्यों लिखा हुआ है, इसको मिटाएंगे। अब हम वायरल डिजीज़ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? वायरल डिजीज़ पे। ये कॉज होता है वायरस द्वारा, जिस वायरस का नाम है राइनो वायरस। तो अब हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीजेस के बारे में, और पहला हमने पढ़ना है राइनो वायरस के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में। अब देखिए, ये जो कॉमन कोल्ड होता है दोस्तों, ये हमारे नोज़ को और रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इन्फेक्ट करता है, जो हमारा नोज़ है और रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। पहली बात, इट इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, यानी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। और इसकी जो कितने दिन तक कॉमन कोल्ड रह सकता है, इट लास्ट्स अबाउट वन वीक, एक हफ्ते तक ये रह सकता है। कितने हफ्ते तक रह सकता है? एक हफ्ते तक रह सकता है। तो कॉमन कोल्ड की जब भी हम बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड में हम जानेंगे कि ये जो है पैथोजन से होता है, और उस पैथोजन का नाम है राइनो वायरस। इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड, और ये हमारे नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स को तो इन्फेक्ट करता है लेकिन हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, और ये एक हफ्ते तक रह सकता है। इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी ड्रॉपलेट्स को इनहेलिंग करने पे है। ठीक है, अगर किसी को राइनो वायरस हुआ है, उसने किसी ऐसे चीज़ पे छींक दिया हो और उस चीज़ को हम यूज़ करें तो हमें भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, सिम्टम्स क्या होते हैं? नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। पहली बात, सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, सिम्टम्स लक्षण क्या है? पहला है नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, यानी नाक जाम हो जाना और बहना।
नाक जाम हो जाना, जब भी आपको सर्दी होती है तो क्या होता है, नाक जाम हो जाता है और नाक बहने लगता है, नाक जाम हो जाता है और नाक बहने लगता है। दूसरा, फीवर आ सकता है। क्या आ सकता है? फीवर, कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं इनके जो है कि, ठीक है, और हेडेक भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, सरदर्द भी हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारे, गले में खराश आ जाती है, सोर थ्रोट, ठीक है, ये सब इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। किसके सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। तो आप याद रखेंगे कॉमन कोल्ड में आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है कि कॉमन कोल्ड में हमने देखा कि ये हमारे नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इन्फेक्ट करता है लेकिन हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। एक वीक तक ये रह सकता है। पैथोजन इसका राइनो वायरस है। सिम्टम्स, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, फीवर, कफ, हेडेक एंड सोर थ्रोट। ठीक, आई बात समझ में? तो ये था वायरल डिजीज, और यही एक वायरल डिजीज आपको पढ़ना था। अब हम अगली बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज की। उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज। किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोअन डिजीज। क्या प्रोटोजोअन्स भी डिजीज कॉज कर सकते हैं? बिल्कुल कॉज कर सकते हैं, प्रोटोजोअन्स भी डिजीज कॉज करते हैं। अभी मैं बताता हूँ प्रोटोजोअन डिजीज। और पहला प्रोटोजोअन डिजीज है वो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। तो अब हम मलेरिया की बात करेंगे और मलेरिया में हम जानेंगे कि मलेरिया जो है वो कैसे होता है। देखिए, मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। अब देखिए, जो प्लाज्मोडियम है एक तरह का प्रोटोजोआ है, और ये जो प्रोटोजोआ है ये कई स्पीसीज इसके जो हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हमने यहाँ लिख दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, अब प्लाज्मोडियम जो है वो एक जीनस है, ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, और इसकी कई सारी स्पीसीज जो हैं वो डिजीज कॉज करती है। अब जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, ठीक है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरी। ये जो तीनों हैं ये कॉज करते हैं मलेरिया। प्लाज्मोडियम की ये स्पीसीज जो हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सी स्पीसीज कॉज करती है। देखिए, मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक। तो ये जो स्पीसीज है ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है, मलेरिया कॉज करती है। यानी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, यानी बहुत घातक मलेरिया कॉज करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो इतनी स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं और ये प्लाज्मोडियम से बिलोंग करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। दूसरी बात समझिए कि सर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। देखिए, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन ना ड्रॉपलेट है ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखिए, इसमें वैक्टर प्रेजेंट होते हैं। सर अब ये वैक्टर नहीं बला क्या है, समझिएगा। देखिए, वेक्टर का मतलब क्या होता है, समझिए, वेक्टर को समझ लीजिए, कैरियर। क्या है? कैरियर है। ये इस प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। तो क्या सर ये इन्फेक्ट नहीं होगा? नहीं, वेक्टर कभी भी इन्फेक्ट नहीं होता, ये एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये जो वेक्टर है इट इज एक्ट एज अ कैरियर, इट कैरी द डिजीज बट डू नॉट गेट इन्फेक्टेड।
तो क्या सर ये वाला जो प्रोटोजोआ है वो इस वेक्टर को इन्फेक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोटोजोआ, चाहे वायरस चाहे बैक्टीरिया, इट इज अ होस्ट स्पेसिफिक। ये केवल कुछ ही होस्ट पे अपना असर दिखा सकते, सब पे अपना असर नहीं दिखा सकते, सब पे अपना असर नहीं दिखा सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी ये जो वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर केवल डिजीज को कैरी या फिर इस पैथोजन को कैरी कर सकते हैं और इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से अदर प्लेस तक। तो इसका क्या है सर मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो जब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर की। तो इसमें जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और इस प्लाज्मोडियम को कैरी करके एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचा देती। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, ये जो प्लाज्मोडियम वाला प्रोटोजोआ है ये डाइजेनेटिक है। अब देखिए सर ये भी नया शब्द, देखिए डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक दो शब्द है, समझिएगा। पहला है मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक जब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये जो प्लाज्मोडियम है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ केवल एक होस्ट में कंप्लीट कर ले, लाइफ कैन बी कंप्लीटेड बाय वन होस्ट, बाई वन होस्ट। यानी जो लाइफ है वो एक होस्ट में कंप्लीट हो जाए तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मोनोजेनेटिक। अब देखिए दूसरा है डाइजेनेटिक, दूसरा है डाइजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या करे कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो है वो कैन बी कंप्लीटेड इन टू होस्ट। यानी दो अलग अलग होस्ट होने चाहिए। डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। यानी एक मोनोजेनेटिक है और एक डाइजेनेटिक है। यानी डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट चाहिए और मोनोजेनेटिक का मतलब केवल एक होस्ट चाहिए। तो क्या सर ये जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जो पड़ा, ये क्या है, मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक है? दोस्तों ये डाइजेनेटिक है। इसके दो होस्ट होते हैं, पहला होस्ट होता है ह्यूमन और दूसरा होस्ट होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो, और सारे मॉस्किटो नहीं, केवल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें फीवर आता है। सर फीवर क्यों आता है? देखिए ये जो प्लाज्मोडियम है, जब ये आपके बॉडी में पहुंचता है तो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल ऐसा है जो टॉक्सिन है, जहर का काम करता है। और जब ये हीमोजोइन आपके बॉडी में पहुंचता है तो हर 3-4 दिन पर आपको फीवर आना शुरू हो जाता है और फीवर आपको आता रहता है, चिल्स आते हैं, फीवर आएगा, साथ में ठंड भी लगेगी आपको। तो ये जो है इसका सिम्टम है, किसका? मलेरिया का। अब देखिए अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो लाइफ साइकिल है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आया, इसका सिम्टम समझ में आया कि आपको सिम्टम जब ऐसे दिखने लगे तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अब हम इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। डाइजेनेटिक है तो दो होस्ट में कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है? क्या सर एक होस्ट में भी कंप्लीट कर सकता है? क्या ये दोनों होस्ट जरूरी हैं? ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक
आप इसको रिवाइज करिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ, 2400 घंटे रेस के सारे टीचर आपके साथ खड़े हैं। आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो इंस्टीट्यूट के नंबर पर फ़ोन करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।